फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए चावलों के बहुत ही टेस्टी यम्मी अप्पे। फ्रेंड्स, ये अप्पे बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये अप्पे। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने बचे हुए चावलों से इतने टेस्टी अप्पे बना के तैयार कर लिए हैं। और मैंने इसमें एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर डाला है, उसकी वजह से ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो जब भी आपके घर में चावल बचे हैं या आपको ये नाश्ता खाना है, तो झटपट से ये नाश्ता आप बना के खा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी बॉइल्ड चावल ले लिए हैं। ये मेरे पास बचे हुए चावल हैं। अगर आपके पास बचे हुए चावल नहीं हैं बॉयल और आपको ये नाश्ता बनाना है, तो थोड़े सा चावलों को आप बॉयल करके भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जब आप चावलों को बॉयल करें, तो इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल के आप बनाएं, तो बहुत ही बढ़िया खिले खिले चावल बनते हैं। वैसे इसमें कैसे भी चावल हैं वो इसमें चल जाएंगे नाश्ते में, ज़रूरी नहीं है कि खिले खिले चावल ही होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का मिक्सी का जार ले लेते हैं और उसमें हम ये सारे चावलों को डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे चावलों को मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब हमें उसका एक फाइन पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा। तो आधा कप के करीब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अगर आपको लगे कि पीसते टाइम पे थोड़े से ज़्यादा थिक हो रहे हैं, अच्छे से नहीं पीस पा रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड करके बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे चावलों का पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमें इसका ये पेस्ट बनाना है। तो अब हम एक इस तरह का मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें हम ये सारे पेस्ट को निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका पेस्ट बनाया है। हमें बिल्कुल इसी तरह का इसका पेस्ट बनाना है। तो इसी जार में थोड़े से चावल चिपके हुए हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम डाल देंगे इनको भी। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले ली है। आप इसमें बारीक मोटी कैसी भी सूजी ले सकते हैं, तो सूजी को हम इसमें डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही ले लिया है, दही को इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी नाश्ता काफ़ी टेस्टी बनेगा। बट दही डाल के ज़्यादा टेस्टी बनता है, बट अगर नहीं है तो आप इसको स्किप करके भी नाश्ता बना सकते हैं। तो अब हम ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें जितना ज़रूरत होगी उतना पानी हम डाल लेंगे इसमें बाद में। तो पहले हम दही के साथ सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने चावल को पीसा था। जब भी हमने करीब इसमें एक कटोरी पानी ऐड कर लिया है, एक कटोरी दही डाल दिया है, अब हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी इसमें और ऐड कर लेंगे। तो अच्छे से हम इसको बिल्कुल मिक्स करेंगे, बिल्कुल स्मूथ इसका हम पेस्ट बनाएंगे। कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, अच्छे से फेंट लेंगे। तो मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं जो बैटर है थोड़ा सा हमको थिक लग रहा है, क्योंकि अभी इसमें जो सूजी डाली है वो भी फूलेगी। तो हम इसमें आधी कटोरी पानी और ऐड कर लेते हैं, यानी कि टोटल इसमें डेढ़ कटोरी पानी ऐड किया है और एक कटोरी दही। अब हम इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का स्मूथ बैटर बन गया है। तो अब हम इसमें ये आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देते हैं। आप काली मिर्च की जगह आप यहाँ पर लाल मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। और आधी चम्मच हम इसमें ये नमक डालेंगे। नमक हमें हिसाब से ही डालना है, क्योंकि जब हमने चावलों को बॉईल किया था तो उसमें भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था, तो उसी हिसाब से आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट इससे जो नाश्ता है उसका जो कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और जो बैटर है हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरह से इस नाश्ते को भी बना सकते हैं, और टमाटो सॉस के साथ जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बट हम इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। तो अब हम गैस ऑन करके एक तड़का पैन रखेंगे और इसमें हम एक चम्मच ऑयल डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, सिर्फ एक ही चम्मच डाला है मैंने। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो ये मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच राई के दाने ले लिए हैं, ये डाल देंगे। राई अच्छे से तड़क गई है, तो थोड़ी सी हम इसमें एक चुटकी भर हींग डाल देंगे, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हींग का। और ये मैंने यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, इसको डाल देंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसमें प्याज का यूज करेंगे।
और प्याज को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसको सॉटे कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब आप एक और इस तरह से तड़का बना के आप नाश्ता बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो इस तरह से डायरेक्ट प्याज भी आप डाल सकते हैं नाश्ते में, बट इस तरह से आप जब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नाश्ता टेस्टी और स्मोकी फ्लेवर आता है इसमें। तो थोड़ा सा हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बस हल्का सा। तो यहाँ पर प्याज को मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया है, ये देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन की हो गई है, यानी कि इसके जो क्रंचीनेस है उसको हमें ख़त्म नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हमें सॉफ्ट करना है। तो ये अच्छे से हो गई है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो अब हम ये सारे तड़के को इस बाउल में डाल देते हैं और थोड़ी सी हम इसमें धनिया की पत्तियां डाल देंगे। मैं इसमें सिर्फ धनिया की पत्ती और प्याज डाल के इस नाश्ते को बनाऊंगी। अगर आपके पास और भी ज़्यादा वेजिटेबल है तो आप उनको भी इसमें ऐड करके बना सकते हैं, जैसे कि आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, आप जितना चाहे इसको हेल्दी बना सकते हैं। बस अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, जो हमने तड़का बनाया ना उसका बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा बन चुका है। तो अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से ऐड हो जाएं और जो हमने तड़का बनाया है उसका फ्लेवर भी अच्छे से इसमें आ जाए। तो 15 मिनट तक हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो बैटर को रखे हुए भी यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर काफ़ी अच्छे से फूल गया है, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, नाश्ता बना लेते हैं। तो अब हम गैस ऑन करके एक अप्पम पैन रखेंगे। हम इस नाश्ते को अप्पम पैन में बना रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का अप्पम पैन नहीं है तो आप इडली स्टैंड भी ले सकते हैं, या आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। आप इसको चिली टाइप में तवे पर भी बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें ये ऑयल लगा देते हैं, एक एक बूंद के करीब। अब हमने जो बैटर लिया है उसमें से हम एक एक स्पून भर के इसमें बैटर डाल देंगे। तो इस तरह से बैटर डालने के बाद अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए अच्छे से सिकने देते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे। तो इनको सिकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो कलर है वो चेंज हो गया है, साइड से ब्राउन जैसे दिख रहे हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इनमें ऊपर से डाल देते हैं। अब हम इनको पलटेंगे, ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये मैंने इनको पलट दिया है, आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा कलर आया है इनका। तो अब हम इनको फिर से कवर करके 1 मिनट के लिए और सेक लेते हैं। तो 1 मिनट के बाद अब हम इनको फिर से चेक कर लेते हैं। तो अब हम इनको फिर से पलटेंगे, तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, नीचे से भी काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिके हैं। तो अब हम इनको इसमें से निकाल देंगे, इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए भी सेक लेंगे। तो इसी तरह से हम इनको भी कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेते हैं। तो इसी तरह से हम इनको दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद इनको हम फिर से चेक कर लेंगे, तो ये देखिए पीछे से भी काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, बहुत ही प्यारा इनका कलर आ गया है। तो अब हम इनको इसमें से निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारे अप्पे को सेक लिया है। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना ही फ्लफी बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पका है ये। तो हम इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करें, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने बचे हुए चावलों से बनाया है इतना टेस्टी नाश्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे।